गवर्नमेंट्स टोटल डेब्ट क्रॉसेस आरएस 100 लाख करोड़। तो दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है डेब्ट इंडियन गवर्नमेंट पे, एंड हम समझ पाएंगे क्या है करंट सिचुएशन, एंड आल्सो समझेंगे हम वेरियस टर्म्स के बारे में। वे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है कि टोटल गवर्नमेंट लाइबिलिटी राइज टू आरएस 101.3 लाख करोड़ इन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। वैसे तो जनरली किसी भी गवर्नमेंट के डेब्ट में स्टेट एंड सेंट्रल दोनों का डेब्ट शामिल होता है, लेकिन हम यहाँ पे डेटा देखेंगे मल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का। और दोस्तों जीडीपी का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो रहता है, ये निर्धारित करता है कोई भी कंट्री क्या प्रोग्रेस कर रही है या फिर उसका फ्यूचर क्या होने वाला है निर्धारित करता है। तो डेब्ट टू जीडीपी काउंट करते हैं कि कितना डेब्ट लिया गया है कंट्री में, जैसे कि 101.3 लाख करोड़ लिया गया है अभी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लोन, यहाँ पे डेब्ट है। तो यहाँ पे जो इंडिया की जीडीपी रहेगी, इंडिया की जीडीपी अगर ज़्यादा है तो उनका डेब्ट टू जीडीपी कम रहेगा, मतलब इंडिया प्रोग्रेस करेगा। लेकिन यहीं पे आप देख पाएंगे कि इंडियन जीडीपी काफ़ी कम हो गई है, क्वार्टर फर्स्ट में तो 23.9 कंट्रैक्ट हो गई है। तो ऐसे में लोन ज़्यादा बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रही है, तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं घटते पे ज़्यादा दिख रहा है। तो आप किसी भी कंट्री का अगर देख लेते हैं कि क्या है उस कंट्री का डेब्ट एंड क्या है उसका जीडीपी, इससे आप आकलन कर पाएंगे कि वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है नेशनली इंटरनेशनली एज वेल। अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे मार्च एंड तक जो लाइबिलिटी थी तो 94.62 लाख करोड़ थी, जो कि अब इंक्रीज हो गई है, हाई हो गई है 7.1% के साथ 6.73 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। तो जिससे अब ये टोटल पहुंच गया है 101.35 लाख करोड़ का। और अगर हम बात करें पिछले जो टर्म था, पिछला जो क्वार्टर था, उसकी तुलना में कितना इजाफा हुआ है, तो 0.08% का इजाफा हुआ है। और यहाँ पे वो सारा का सारा डेटा दिया गया है, 11-12, 12-13, यहाँ पे आप देख पाएंगे 17-18, 18-19, तो यहाँ पे 68.7 से 68.6 ऐसा हुआ है। और इससे पहले आप देखेंगे कि ये जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो किस तरह से ग्रो करता गया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ऐसा इंक्रीमेंट क्यों हुआ है डेब्ट में, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19। आपको पता ही है कि ऐसे में गवर्नमेंट इवन रेवेन्यू कलेक्शन भी नहीं कर पाई है। यही रीज़न था कि पेट्रोल के दाम इंटरनेशनली कम होने के बाद भी इंडियन मार्केट में वो हाइक पे बिक रहा था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए था। और सेकंड और सबसे क्रूशियल रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के एंड जो गरीब तबका है इंडिया का, उनके हेल्प के लिए स्कीम्स लाई, और ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा अपना हिस्सा अपने रिजर्व का दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू था इंडियन गवर्नमेंट का वो काफ़ी डाउन हुआ। तो इसे फिल करने के लिए, इसे वैक्यूम को भरने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया। इन फाइनल अगर बात करें कि अगर डेब्ट इनिगेट अगर करता है कि अगर हाइक की तरफ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री का डेब्ट जाता है और डेब्ट रेशियो अगर आप बोल दें कि काफ़ी अगर ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में उस कंट्री में डिफॉल्ट होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनली जो मार्केट का इंटरेस्ट रहता है वो काफ़ी डाउन चला जाता है, तो इससे उस कंट्री को काफ़ी लॉस होता है। तो आगे जैसे भी जो भी अपडेट आती है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर गाइस।